दोस्तों आज की वीडियो, अगर आप टिकी ऐप पर वीडियोस बनाते हो और टिकी ऐप के क्रिएटर्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप MX टकाटक पर, जैसे कि लाइव ऑप्शन काफ़ी लोगों को नहीं मिला है, वैसे ही आपको टिकी ऐप पर भी लाइव ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। दोस्तों टिकी ऐप पर बहुत ही जल्द लाइव ऑप्शन आने वाला है। दोस्तों आपको अभी से कैसे लाइव ऑप्शन के लिए अप्लाई करना होगा, अगर अभी से आप लाइव ऑप्शन के लिए अप्लाई नहीं करोगे, आपको कुछ यहाँ पे फॉर्म भरने पड़ते हैं। अगर उन फॉर्म को अभी से आप नहीं भरोगे, ना तो आप कोई डिटेल जो है टिकी ऐप वालों के पास सेंड करोगे, तब तक आपको लाइव ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं आपको टिप्स बताऊँगा, जो भी टिप्स शेयर करूँगा, उस टिप्स की मदद से आपको एक ही बार में, जैसे कि लाइव ऑप्शन आया उसी बार आपको डायरेक्टली लाइव ऑप्शन मिल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो टिकी ऐप कितनी तारीख तक लाइव ऑप्शन दे देगा, लेकिन हाँ इस बात का इशारा करता है टिकी ऐप कि जल्द ही जो है अपने प्लेटफॉर्म पर टिकी ऐप बहुत ही जल्द लाइव ऑप्शन लाने वाला है। तो जब तक हम कोई आईडी प्रूफ नहीं देंगे टिकी ऐप वालों को, तब तक हमें लाइव ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जैसे ही उधर से लाइव ऑप्शन आएगा, हमारा पूरा जो है सिस्टम कम्प्लीट होगा, तो हमको डायरेक्टली लाइव ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, काफ़ी सारे लोग मेरे पास कमेंट भी किया था, तो मैं आपकी डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप टिकी ऐप पर लाइव ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। लाइक करने के साथ साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको टिकी ऐप से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज मिलती रहती है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सब कुछ समझाने के लिए मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे हमारी मोबाइल की स्क्रीन चल रही है, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, अपने टिकी ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, टिकी ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको सबसे नीचे एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, आप सेटिंग वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अपने अकाउंट पर क्लिक करोगे, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपको अपना जो है आईडी जो है यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। अगर आप जो है टिकी ऐप पर रेगुलर वीडियो बनाना चाहते हो, कुछ यहाँ पे फेस वैल्यू बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे जो है अपना कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पे आपको फेसबुक से, ट्विटर से या गूगल से किसी से यहाँ पे आपको अपना जो है अकाउंट वेरीफाई कर लेना। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ फेसबुक से, यहाँ से अकाउंट वेरीफाई कर लेता हूँ। फेसबुक पर आपको क्लिक कर लेना, यहाँ पर आपको टिकी ऐप दिख जाएगा, यहाँ पर कनेक्ट टू अपनी फेसबुक से डायरेक्टली ये लॉगिन कर लेगा। अगर आपको आपका फेसबुक नहीं बना है तो आप बना सकते हो, या फिर आप गूगल से इसी डायरेक्टली जो है लॉगिन कर। तो मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक जो है लॉगिन कर लिया है। फेसबुक लॉगिन कर बाद यहाँ पे दोस्तों आपने जो टिकी ऐप का जो है पासवर्ड बनाया था, जब आईडी बनाई थी तो उस टाइम में आपने पासवर्ड क्या डाला हुआ, यहाँ पे उस पासवर्ड को जो है आप सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड डालना होगा, या फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको बनाना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू पासवर्ड बना लेता हूँ। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपका जो है अकाउंट हैक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू एक पासवर्ड बना लेता हूँ। तो मैंने अपना एंटर इन पासवर्ड सब कुछ सेव कर दिया है, आपको यहाँ से बिल्कुल सेव करना है, और आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है बिल्कुल पक्की रहे, आपको कोई अकाउंट हैक भी ना कर पाए। अब दूसरे नंबर में आपको क्या करना है, आप लाइव ऑप्शन के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आपको बैक चले आना है। यहाँ से पहले तो अपनी जो है आईडी की आपको एक स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपके जितने भी यहाँ पे फॉलोवर्स हैं, जितने भी यहाँ पे लाइक हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ऊपर की ओर नीचे की स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट का आइकन दिख रहा होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब अपने पेज का एक स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर आप नीचे पावर बटन और वॉल्यूम बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको फीडबैक पे चले आना है। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले यहाँ पे तो अपना नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम डाल देता हूँ, सोनपाल शर्मा, ठीक है। फिर मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे लाइव लिख देना है, ठीक है, सिर्फ लाइव लिखना। लाइव लिखने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको फाइल्स में चले जाना। अभी जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है ना, उस स्क्रीनशॉट को हमें यहाँ से फिल करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल्स में जाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या काम करना है, आप चाहे अपनी जीमेल आईडी डाल सकते हो, या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डाल लेता हूँ। जीमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस फॉर्म को सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, थैंक्स योर फीडबैक, ठीक है। हमारा जो है टिकी ऐप वालों के पास एक फीडबैक पहुँच चुका है,
जैसे ही हमें लाइव ऑप्शन आएगा हमारी प्रोफाइल सबसे फर्स्ट में चेक हो जाएगी वहाँ से टिकी ऐप पे। टिकी ऐप की टीम हमारी प्रोफाइल अच्छी तरीके से चेक कर लेगी और हमको फर्स्ट में ही लाइव ऑप्शन मिल जाएगा ताकि हमको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर और भी किसी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है प्लीज जाने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए बंद।